तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की याद में उड़ने चली है बेपरवाह लहरे। ये 1 लाख का चेक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। हाँ, शोभा मैम का कॉल आया था मीटिंग के लिए, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे फिल्म्स नहीं करनी। वैसे भी शो को कुछ दिन बाकी है, यहाँ तो पल भर में दुनिया बदल जाती है, और मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ज्यादा दिन जेके के साथ टिकने वाली है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अरे बैठे 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 जी। बोलो हरी, कैसा आना हुआ? सर शी इज जूलिया, जूलिया फर्नांडिस। बताया मुझे शोभा ने आपके बारे में, सब बताया मुझे। पहले कोई मूवी नहीं किया तुमने, राइट? नो सर। कोई एक्टिंग क्लास या थिएटर? सर एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मुझे मूवीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ मॉडलिंग करना चाहती हूँ। हाँ बताया था मुझे, शोभा ने बताया था, वो जेके के साथ तुम काम करती हो। अच्छा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन मॉडलिंग के बाद क्या है? उसके बाद तो फिल्म ही करना पड़ता है। देखो ये सब बड़ा बड़ा बॉलीवुड का जो हीरोइंस है, सब पहले मॉडल्स था। जी सर, यू आर राइट। वैसे बहुत चर्चा है तुम्हारा जूलिया, पल्लवी की जगह बहुत जल्दी लेना आसान नहीं है। सर मैं यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ, पल्लवी एक बड़ी मॉडल है। आई रिस्पेक्ट हर फॉर हर अचीवमेंट्स। ओह गुड, नाइस थिंकिंग, गुड गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तेलुगु में, बड़ा हीरो है, बड़ा सेटअप है। आई लाइक यू, यू आर गुड, एंड आई वुड लाइक टू लुक टेस्ट यू। ओके श्योर सर, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ मूवीज के लिए। क्योंकि एक्टिंग एंड मॉडलिंग में बहुत फर्क होता है, और मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझती कि मैं एक बड़ी हीरोइन बनूं। बाकी जो मेरी किस्मत, मुझे वही मिलेगा। देखो जूलिया, मैं यह बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना। जीत हासिल करनी हो तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब होती है। और तुम काबिल हो या नहीं हो ये तुम नहीं तय कर सकती हो। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं अभी सिर्फ मॉडलिंग पे फोकस करना चाहती हूँ, और जेके सर भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, नो प्रॉब्लम, एज यू विश। लेकिन फ्यूचर में अगर मूवी करना है तो मुझे जरूर बताना। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अच्छा लगा। श्योर सर, मैं चलती हूँ। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।
कितना अच्छा होता अगर आज मेरी फैमिली मेरे इस खुशी के लम्हे में मेरे साथ होती। आज जो भी हो रहा है ये सब जेके सर की वजह से हो रहा है। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर रही होती। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उनको संभाल के रखना हमारा हुनर। जी जी, अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए शेखावत साहब, हम बैठे हैं ना आपकी सेवा कर, आप बस हमारा काम करवा दीजिए सरकार से, बस आपका गिफ्ट पक्का। ओके ओके, बिल्कुल जल्दी बुलाता हूँ, बाय। क्या कह रहा था शेखावत? कमीना साला, बोलता पहले गिफ्ट चाहिए उसके बाद हमारा काम करेगा परमिशन का। देखते हैं। और विनीत के शो की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। वॉक नीड्स पॉलिश, लेकिन वो बात नहीं है जो शो स्टॉपर में होनी चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? डोंट वरी, आ जाएगी। शुरुआत में प्रॉब्लम होता है थोड़ा, अब पल्लवी को भी तो हम ही ने तराशा था। ये मॉडल्स को तराशना पड़ता है तब जाके उनकी असली चमक बाहर आती है। जूलिया को भी तराशो, मुझे भी देखना उसकी चमक कितनी। ओके, बाय द वे तुम पल्लवी की कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे? वो तुम्हें कब से कॉल कर रही है? दो बार ऑफिस भी आके जा चुकी है। कम ऑन जेके, हैव मर्सी। जेके उनसे नहीं मिलता जिनको जेके की जरूरत है, जेके सिर्फ उनसे मिलता है जिनकी जरूरत जेके को है। और इस वक्त मुझे पल्लवी की जरूरत है, और मैं किससे बात करूं या किससे नहीं है मैं डिसाइड करूंगा। और इस वक्त मुझे पल्लवी से बात करने का मूड नहीं। आगे मूड क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकता। बाय द वे, पल्लवी को रियलाइज हो चुका है कि उसकी गलती थी। वो अभी सिर्फ और सिर्फ जेके इंडस्ट्रीज के साथ काम करेगी और किसी के साथ नहीं। हमारी हैसियत का अंदाजा तुम ये जानकर लगा लो कि हम कभी उनके नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। ये वक्त पल्लवी का नहीं, जब आएगा तो उससे भी मिल लेंगे। ये वक्त है जूलिया का, और मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जूलिया पर। आओ जूलिया, कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ गई थी? रिहर्सल में थी शो की। अच्छा जूलिया, मैंने सुना कि तुमने रेड्डी की फिल्म को ना बोल दी। मैंने कब मना किया? मैंने तो बस इतना ही बोला कि मैं मूवीज के लिए रेडी नहीं हूँ, और मेरी क्या औकात कि मैं उनको मना करूँ। पर सिर्फ जेके के भरोसे बैठे रहना भी तो सही नहीं है ना। कल अगर पल्लवी की तरह उसने तुझे भी आउट कर दिया फिर क्या करेगी? मुझे भरोसा है जेके, वो ऐसे नहीं है, और इंसान की पहचान है मुझे। तू बहुत भोली है, यू आर टू गुड जूलिया। यहाँ कोई अच्छा नहीं है। चल अच्छा है, ऊपर वाला तेरा भरोसा कभी ना तोड़े। अच्छा तो विनीत के शो में है ना? हाँ, 12 में से एक मैं भी हूँ। ओह गॉड, आज फादर्स डे है और मैं भूल गई। शिट। अच्छा हाँ, और यू नो हर साल मैं फादर्स डे पे अपने पापा के साथ होती हूँ। इस साल नहीं जा पाई क्योंकि बजट नहीं था। तू अपने पापा से बहुत प्यार करती है ना? बहुत ज्यादा, मम्मा से भी ज्यादा। हर बेटी अपने पापा की दुलारी होती है। प्यारे पापा,
सच्चे पापा, बच्चों के संग बच्चे पापा, करते हैं मेरी पूरी हर इच्छा पापा, मेरे सबसे अच्छे पापा। आई लव यू डैडी, हैप्पी फादर्स डे। मजा आया? घोड़े का नाम क्या था? अरे नाम तो रख लिया होता। इंसान को रिश्ते नाते बनाना पसंद है, वो बिना किसी सहारे के अकेले बिल्कुल नहीं रह पाता। सभी रिश्ते बनाते हैं, कई खून के रिश्ते होते हैं और कई यूं ही जिंदगी के सफर में बनते चले जाते हैं। एक रिश्ता मैंने भी बनाया है अपने पापा से। मेरा उनका खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन फिर भी मन में क्या उनके लिए इज्जत है? क्योंकि शायद वो मेरे अच्छे पापा ना बन सके। She needs our support, Papa, especially आपका। No, not possible, मुझसे नहीं हो पाएगा। आज के बाद मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। उसने साबित कर दिया है कि वो मेरा खून नहीं है। लेकिन उन्होंने ये साबित किया और मैं ये कहना चाहूंगी कि पापा, यू आर अ नाइस पर्सन, लेकिन शायद ये आपसे आपके मुंह पर कभी ना कह पाऊं, इसीलिए बुक में लिख रही हूं। आप यहां कैसे? What a coincidence, ना? आज फिर से मुलाकात हो गई। हाँ, लेकिन आप यहां कैसे? हाँ, मैं वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड रहता है पास में ही, तो उससे मिलने आया था। फ्रेंड? चर्च के पास? कौन सा फ्रेंड यहाँ पे रहता है? वो रहता नहीं है यहाँ पे। नहीं मैम, मैं तो यार चर्च पे जाने आया था। आई रियली लाइक टू गो टू चर्च, यू नो, वेरी पीसफुल फॉर माय माइंड। आई लव जीसस। लेकिन आप हिंदू है ना, तो फिर चर्च कैसे? हाँ तो क्या हुआ, हिंदू लोग चर्च नहीं जाते क्या? मुझे तो क्रिश्चियन लोग बहुत पसंद है, दे आर वेरी पीसफुल। चर्च जाके इतना माइंड रिलैक्स होता है मेरा, आई कैन नॉट टेल यू। ठीक है, आप जाइए। आप नहीं चलेंगे? नहीं, मैं होके आ गई। ओके। आप इतने नर्वस क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन आप बोल कुछ और रहे हैं। Yeah, you are right. दरअसल मेरे से मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। I'm really bad at it. बोलना भी नहीं चाहिए, अच्छी आदत नहीं, और गॉड को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सच बोल दीजिए। मेरे साहब, सच बात तो ये, मैं आपसे ही मिलने आया था।
I was waiting for you here. मुझे लगा कि तुम prayer करके आओगी तो एक मुलाकात हो जाएगी. कुछ खास काम है? हाँ. तो मुझे पूछना था कि आपकी मम्मी के क्या हाल हैं? Yeah, she's fine. आपको याद करती है. We talk about you. Really? बस यही पूछने आए थे या और भी कुछ काम था? कहीं जाके आराम से बैठ के बात करें या पास में ना एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, बहुत अच्छी कॉफी बनाता है. तो चले इफ यू डोंट माइंड. आओ जूलिया, आओ प्लीज कम इन. रिहर्सल्स कैसी चल रही? अच्छी चल रही है मैम. यू नो व्हाट, इस शो के सक्सेस होने का मतलब है तुम्हारा करियर सेट हो जाएगा. यू नो दैट, बड़े बड़े ऑफर्स आएंगे तुम. जी मैम. जो मौका तुम्हें मिला है ना, सबको नहीं मिलता. बहुत किस्मत वाली हो तुम. अब ये मौका ना हाथ से नहीं जाना चाहिए. शो के लिए दो ही दिन बचे. एक शो स्टॉपर क्या होती है ये अच्छी तरह से समझ लो. यही मौका है, यही टाइम है खुद को साबित करने का. तुम में वो आग, वो जोश है. जी बताइए क्या कहना है. तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं. ओके. क्यों? क्यों पूछा? एक्चुअली पहले से मुझे नहीं पता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी. मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ. क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तुम पहले ऐसे लड़के हो जिसके साथ मैं इस तरह से मिल रही हूँ. अदरवाइज मुझे लड़कों से बात करना बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही मिलना. कॉफी अच्छी थी. चले. पिंटू कितने में? 40 rupees. मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. दोस्त के नाते नहीं, इंसानियत के नाते से. नहीं, मैं चली जाऊं. आंटी को मेरा प्यार देना. कल 12 बजे मैं चर्च के बाहर तुम्हारा वेट करूंगी. कॉफी पीने चले. मुझे कॉफी पसंद आई. बाय. Done, right? Yeah. Oh, you have come. Madhvi, she is Julia Fernandez, hamare show ki showstopper. Oh, really? That's great. Kitne saal se modeling kar rahi ho, Julia? Nahi, abhi nahi hai. Isse pehle kuch khaas nahi kiya. Ek nayi model, wo bhi showstopper? Shocking. JK ki khaas hai. उसी ने रेकमेंड किया, इसीलिए शी इज हियर. यू नो जेके, राइट? अच्छा माधवी, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है. इन्हें ड्रेस ट्रायल के लिए लेके जाओ. आई वांट टू चेक.
जूलिया इनके साथ जाओ। जी सर। कम चल के। देखो जूलिया, ये मेरा शो है, कोई गड़बड़ नहीं। ओके, आई वांट फुल कॉन्फिडेंस। पेरिस फैशन वीक से लोग आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अंडरस्टैंड? डोंट वरी सर, यू वोंट रिग्रेट। होप सो। ओके देन, सी यू ऑन द शो। मेरी सेक्रेटरी से कोऑर्डिनेट कर लेना और चेंज करके यू कैन गो नाउ। ओके सर, सी यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओह गॉड, प्लीज मेरी इज्जत रख लेना। ये सब क्या है विनीत, जेके को इस लड़की में क्या पसंद आया? ये तो मुझे भी पता नहीं। यू गॉट इट। कहीं बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, मूड हुआ तो मूवी भी देख लेंगे। बहुत दिन हो गए वैसे आउटिंग नहीं हुई है। चल रेडी हो जा। नहीं निहारिका, मेरा मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। घर की याद आ रही है? ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आज विनीत ने बुलाया था ड्रेस ट्रायल के लिए। वहाँ कुछ उसने ऐसा कह दिया कि मैं डिस्टर्ब हो गई। कितनी गंदी सोच होती है यहाँ के लोगों की, अपने मतलब के लिए कुछ भी बोलते। मुझे काम मेरी काबिलियत पर मिल रहा है, ये बात खुद जेके सर ने मुझसे कही है। फिर मेरा नाम क्यों खराब किया जा रहा है? क्या कहा विनीत? कह रहा था कि मैं जेके सर की खास हूँ। इसका क्या मतलब होता है निहारिका? जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने शुरू कर देना, समझ लो तुम तरक्की कर रहे हो। ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, ये जहां है।